से ही है। एक तरफ जहां बीजेपी के तमाम नेता मोहन यादव से मिल रहे हैं, तो कमलनाथ ने भी मोहन यादव से मुलाकात की है। वीआईपी गेस्ट हाउस में मुलाकात हुई है। सीएम को कमलनाथ ने बधाई दी, गुलदस्ता लेकर आए थे कमलनाथ। बधाई देने के लिए मोहन यादव को उन्होंने गुलदस्ता दिया और उन्होंने बधाई भी दी। और अहम बात तो ये कि कमलनाथ ने कहा कि विपक्ष पूरा सहयोग करेगा। ये खुशी चेहरे पर कमलनाथ के, मोहन यादव का जैसे ही ऐलान हुआ मुख्यमंत्री के लिए नाम, उसके बाद बधाई, यहाँ पर बधाई का सिलसिला। कई नेता मोहन यादव से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं, अब कमलनाथ भी मिलने पहुंचे मोहन यादव से और उन्होंने उनको बधाई भी दी। बहुत मैं कोई मन पे लेके चलता नहीं हूँ, सामान्य कार्यकर्ता हूँ, इसलिए सामान्य दिन की तरह लिया। लेकिन ये बात सही कि जवाबदारी हमको सेवक के नाते से मिली है और उस सेवा की भावना के आधार पर क्या जनता के बीच में कर सकते हैं और कितनी सेवा कर सकते हैं, ये लगातार उसी दिशा में काम भी कर रहे हैं। और कल चूँकि पहले शपथ का कार्यक्रम है, तो स्वाभाविक रूप से सारे बड़े बड़े हमारे जो मार्गदर्शक हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, नड्डा जी, माननीय योगी जी, उन सब के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है और भाजपा के लिए पूरा देश वर्तमान में एक विशेष निगाह से देखता है, तो कई हमारे लिए प्रदेश में और बड़ी संभावना सरकार के आधार पर भी और आम जनता की गरिमा के हिसाब से कार्यक्रम करने की बनती है। सर, पार्टी ने और जनता ने आपको बड़ी जिम्मेदारी दी है और 24 की चुनौती आपके सामने है। आप सबके सहयोग से पूरा बधाई देने में आया था। मैंने कहा था मध्य प्रदेश के विकास के लिए जो हमारा योगदान होगा जरूर होगा। आगे क्या रणनीति रहेगी सर विपक्ष के तौर पे? विपक्ष का जो कर्तव्य होता है, विपक्ष रक्षा करेगा मध्य प्रदेश के मतदाताओं की, मध्य प्रदेश की भविष्य की। सर, मध्य प्रदेश की कमान कांग्रेस की आप ही संभालेंगे? अब ये सब बात सोच रहे हैं, सबसे चर्चा कर रहा हूँ मैं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, फौरन हाजिर होंगे।